हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। इफ द टेंशन एंड डायमीटर ऑफ अ सोनोमीटर वायर ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एन इज डबल्ड एंड डेंसिटी इज हाफ। तो यहाँ पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को डबल किया गया है और डेंसिटी को हाफ किया गया है। तो पूछा है कि अब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी। फर्स्ट इज एन बाई फोर, सेकेंड इज अंडर रूट टू एन, थर्ड इज एन एंड द फोर्थ वन इज एन बाई रूट टू। तो बच्चों यहाँ पर आपको की कंसेप्ट जो लगेगा वो की कंसेप्ट लगेगा आपको फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला होता है एन इक्वल्स टू वन अपॉन टू एल अंडर रूट टी बाय एम। ये फॉर्मूला आपको क्लियर होना चाहिए, जिसमें बेसिकली वेयर हमारा टी क्या होता है बच्चों, टेंशन होता है, ठीक है। टी इज द टेंशन, ओके। एंड एल क्या होता है बच्चों, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, या फिर यहाँ पे बोल सकते हैं लेंथ ऑफ द सोनोमीटर वायर, ठीक है, लेंथ ऑफ द सोनोमीटर वायर, ओके। एंड यहाँ पे जो स्मॉल एम है बच्चों वो है मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, यहाँ पे देखिए डेंसिटी का जिक्र किया गया है, तो डेंसिटी की टर्म में हमको अपना फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, ठीक है। कैसे बनाएंगे देखते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास, देखिए एम क्या होता है बच्चों, मास, एम क्या बताया था मैंने आपको, मास ऑफ वायर अपॉन लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है, मास ऑफ वायर अपॉन लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है। और मास क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो मास हो गया हमारा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और अपॉन क्या चल रहा है बच्चों, लेंथ चल रहा है, ठीक है। अब वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, तो वॉल्यूम होगा हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, और साथ में चल रहा है बच्चों हमारा डेंसिटी, ठीक है। और डिवाइड किससे करना है, इसको डिवाइड करना है बच्चों इसको हमको लेंथ से, ठीक है। तो लेंथ से लेंथ हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इनटू डेंसिटी। तो हमारे पास मास आ गया डेंसिटी के टर्म में अब, ठीक है। तो एरिया की अगर बात करें तो एरिया क्या होगा बच्चों, पाई आर स्क्वायर, और डेंसिटी क्या होगी हमारी रो। तो फॉर्मूले में पुट कर दीजिए वैल्यू, तो फॉर्मूला आ जाएगा वन अपॉन टू एल अंडर रूट टी, और मास की वैल्यू लिख सकते हैं हम पाई आर स्क्वायर रो, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे क्या कंडीशन बनती है, ठीक है। तो हमारी कंडीशन बनेगी बच्चों, तो यहाँ पे बोला गया लेट एन डैश बी द फ्रिक्वेंसी, जो हमको फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी, तो हमने उसको बोल दिया एन डैश वेन टेंशन इज डबल। टेंशन क्या किया गया बच्चों, डबल किया गया, टेंशन इज डबल, तो ये हो जाएगा 2t। और रेडियस क्या किया गया बच्चों, रेडियस किया गया है 2r, और जो डेंसिटी है वो बच्चों क्या करी गई है, हाफ करी गई है, तो डेंसिटी इज हाफ, तो ये हो गया रो बाई टू। अब ये फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, तो एन डैश आ जाएगा बच्चों हमारा, एन डैश इज इक्वल टू वन अपॉन टू एल, हमारा एज इट इज चल रहा था, ठीक है। तो अंडर रूट टेंशन कितनी होगी बच्चों हमारे पास, 2t, ठीक है। और मास बेसिकली हमने अभी मास का फॉर्मूला क्या निकाला था, मास निकाला था पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे जब इसको आप सारी वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा पाई रो बाई टू, और हम टू आर को बाहर लिख रहे हैं, ठीक है, टू आर को बाहर लिख रहे हैं, ठीक है। तो फाइनली जो बचेगा बच्चों हमारे पास, वन अपॉन टू एल आर अंडर रूट टी अपॉन पाई रो। तो इसका मतलब अगर जो फ्रिक्वेंसी चेक करें बच्चों हम, तो फ्रीक्वेंसी हमारी सेम ही आएगी, फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज नहीं आएगा, यही फॉर्मूला बेसिकली बन गया हमारा, ठीक है। जरा इसको आप जब चेक करेंगे फॉर्मूले को पहली वाली फ्रीक्वेंसी से, तो यही फॉर्मूला आएगा। तो हम बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया बेसिकली, ठीक है। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं एक बार, फर्स्ट इज एन बाई फोर, सेकेंड इज अंडर रूट टू एन, थर्ड इज एन एंड फोर्थ इज एन बाय रूट टू। तो यहाँ पे एन बाई रूट टू तो नहीं होगा हमारा ऑप्शन, नहीं होगा सेकेंड भी नहीं होगा और फर्स्ट भी नहीं होगा, तो हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया बच्चों। तो हम कह सकते हैं हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड। आई होप दिस सॉल्यूशन इज क्लियर टू यू, ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों।